नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी आदतों के बारे में जिनसे आप पर कर्ज चढ़ जाता है, जो आपको गरीबी की तरफ ले जाती है। अगर आप एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं तो ये गलतियां भूल से भी मत करना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर करें। तो बात करते हैं सबसे पहली गलती की, जो आपको कर्ज में डालती है और गरीब बनाती है, वो है सुबह देर से जगना। चाणक्य नीति में धन को लेकर कई नीतियां बताई गई हैं, जिससे आप ये जान सकते हैं कि कैसे लोगों को जीवन में कभी आर्थिक तंगी नहीं झेलनी पड़ती। आचार्य के मुताबिक सुबह का वक्त अनमोल होता है, इसलिए हर किसी को सवेरे जल्दी उठ जाना चाहिए। वहीं जो लोग समय का महत्व नहीं समझते, उनके जीवन में आर्थिक परेशानियां आती ही रहती हैं। चाणक्य कहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा कभी उन पर नहीं बनती जो देर तक बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। दूसरे वो लोग जो नहीं रखते साफ सफाई। आचार्य कहते हैं कि जो लोग अपने शरीर की साफ सफाई की ओर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें भी धन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। शरीर की साफ सफाई के साथ ही दांतों और कपड़ों को साफ रखना भी जरूरी है, साथ ही आसपास की सफाई भी जरूरी है। चाणक्य के मुताबिक जो लोग रोजाना नहाते नहीं हैं या फिर मंजन नहीं करते, गंदे कपड़े पहनते हैं, उन पर मां लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती हैं। तीसरे वो लोग जो खाने पर न हो संतुलन। शरीर के लिए खाना बेहद जरूरी है, लेकिन जिन लोगों का ध्यान पूरे समय खाने की तरफ ही होता है, उनके जीवन में पैसों की कमी हो सकती है। आचार्य कहते हैं कि जो लोग जरूरत से अधिक भोजन करते हैं, उन्हें भी गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। उनके मुताबिक ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी ज्यादा समय तक नहीं टिकती हैं। ऐसे में आर्थिक संकट से बचने के लिए लोगों को सीमित मात्रा में ही भोजन करने की सलाह दी जाती है। और आखिरी है कड़वी बोली। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो लोग कड़वा बोलते हैं, उनके पास पैसा नहीं टिकता है। अपनी नीति पुस्तक में चाणक्य बताते हैं कि कठोर बोली बोलने वाले लोगों पर मां लक्ष्मी की कृपा नहीं होती और उन्हें सदैव धन की कमी और आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आप शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं और यह गलतियां नहीं करते हैं तो आपके घर में बरकत आती है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।